क्योंकि कंसे आए राक्षस और राक्षस होते हैं बड़े जट, जल्दी नहीं मारे। और अगर वो ने मरो हुई के याद मरो हुई के एक आदमी के पटके में तो जितों ने ताली बजाई है वो चुन चुन के बल डाले है, हसो को उन्हें नहीं बजाई। साहब लेगा गए लेगा जाके हिलाओ डुलाओ देखो के मर गाओ, जब फुल संतुष्टि हो गई कन्फर्म कर लो के मर गाओ फिर ताली बजाई। आप बजा ले अब नहीं डाल, कंस मर गया, कंस मरा, कन्हैया गए मथुरा नरेश के लिए कारागृह से छुड़ाया, गद्दी पर बिठाया, देवकी वसुदेव जी के लिए छुड़ाया। मैया देवकी से कहते हैं माँ आपको याद नहीं आती थी, कन्हैया कहते हैं माँ आपको याद नहीं आती थी, मैया कहती है जरूर बेटा याद आती थी। देवकी कहती हैं, एक भक्त ने सुंदर भाव लिखा कि मैया देवकी कहती हैं कन्हैया को बेटा हमें बहुत याद आती थी, कितनी के पंख जो होते मैं उड़ जाती नंदे बाबा के द्वार, ओ घड़ी घड़ी मोरो जियरा रोवे बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो के भूखो सोवत हो गो, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो तो पंख जो होती में उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होती में उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होती में उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होती में उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, घड़ी घड़ी मोरो चेहरा रूप बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो के भूखो सोवत होए गो। कहे हो ताली बजाते हुए के जो होती में उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होती में उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होती में उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होती में उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, घड़ी घड़ी मोरो जियरा रोवे बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो भूखो सोवत। बोलिए बाकी वे हरिलाल की जय, राम धनी तो आज, आज सुखदेव जी कहते हैं राजन मथुरा नरेश के लिए कारागृह से छुड़वाया, देवकी वसुदेव जी के लिए
कारागृह से छुड़वाया और कन्हैया ने कंस का वध कर दिया। अच्छा कंस मर गया, कंस मरा कि नहीं मरा? कंस मर गया। अच्छा देखना, ऐसे हम लोग हर हफ्ता कंस मार रहे, ऐसे हमारे हर हफ्ता कंस ये मार रहे और हर हफ्ता रावण मार रहे। जैसे भाई रेहली में कंस मारो, तो बरकोटी में कंस मारो, बंडा में मारो, गुड़ा में मारो, नाय गायते कहा सिलवानी को दाऊ उतें कंस मारो, माने आतरे तीसरे मोरे हर हफ्ता कंस ये मार रहे और हर हफ्ता रावण। लेकिन ऐसे ने तो कंस मर रहे आए और ने रावण मर रहे आए, ऐसे ना तो कंस मर रहे और ना रावण मर रहे। जब तक अंदर बैठे हुए असली के कंस और रावणों को नहीं मारेंगे तब तक कंस और रावण मरने वाले नहीं है। ऐसे हम लोग दशहरा को एक पुतला बनाते हैं और आग लगा करके जला देते, ताली बजा लेते हैं, रावण जल गया, रावण जल गया। और सुबह को देखो पेपर में, रात में एक रावण जलाया था, सुबह 20 सीताओं का हरण हो गया। आज वो भी रावण बैठा बैठा हंसता होगा, धन्य रे कलयुग के रावण हो, हैं? हमें तो 20 भुजा 10 सी सते और एक सीता का हरण किया, लेकिन धन्य रे कलयुग के रावण हो, तुम्हें ना तो एक मूड़ दो हाथ और दो आंखें हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो तुम सीता का हरण कर लेते हो। वो रावण हंसता होगा, इसलिए याद रखना प्यारे, ऐसे पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा, अंदर के रावण को जलाना पड़ेगा, अंदर के रावण को जलाना चाहिए। कंस, कंस की दो पत्नियां थी, कंस कौन है आज भी चेक करना होगी, कौन कंस है तो हम बता रहे कुआ है। कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्थि और दूसरी का नाम था प्राप्ति। अस्थि माने है और प्राप्ति माने प्राप्त करना है। जिसके मन में धारणा ऐसी होए, कंस के मन में जई धारणा है कि जो तो हमें आए जो और इसे छुड़ाऊंगे, यही से ओ को नाम कंस या है। इसीलिए जिसके मन में ऐसी भावना होवे कि ये तो हमारो है ही, जोवरे को जैसे मान के चलो अपनी 20 एकड़ है, अब बगल में कोनू गरीब की 2 से की डग्या फस रही, अब मन करे कि कबे पंजा मार के मिला लें, कबे पंजा मार के मिला लें, समझ जाइयो कंस ढूंढवे नो जाने वो कंस आए। हाँ, 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 क्योंकि जगत की भलाई करना संतों का काम है और हराम की कमाई करना कंसों की पहचान है, इसलिए बनना है तो संत बनो, कंस नहीं बनना। जितना मिले अपने अधिकार का, अपनी मेहनत का उतना पाओ, लेकिन किसी गरीब के धन पर नजर नहीं रखनी, मेहनत का कमाओ प्यारे, जितना मिलता है सो ठीक है, नहीं मिलता तो हरी अच्छा, नहीं तो हराम की कमाई करना कंसों की पहचान। सुखदेव जी कहते हैं राजा नाच कन्हैया बड़े आनंद से राजमान हुए, थोड़ा इसको तेज करना भैया, या ईको डाल दो थोड़ा सा, चाहे लाइट जली सोच से वोल्टेज में कम हो। सिरा धीरा बोलिए बाकी वे हरि लाल की, राम धनी तो जोर से राम धनी तो आज कन्हैया बड़े आनंद से रह रहे थे। देवकी मैया ने सोचा अगर कन्हैया को ज्यादा रख लिया तो यशोदा कहेंगे ये देखो अपने लाभ में कन्हैया के लिए जो है दिक्कत की, ने कन्हैया का भला नहीं सोचा। सो मैया देवकी जी ने कन्हैया को पढ़ने भेजा, अवंतिकापुरी में कन्हैया पढ़ने को गए और वहां अवंतिकापुरी में गुरु शांतिपनि जी से उन्होंने विद्या अध्ययन की। विद्या अध्ययन की, गुरु शांतिपनि जी से कहा गुरु जी मांगो क्या चाहिए। गुरु जी कहने लगे बेटा कुछ नहीं चाहिए। बोले तो कुछ तो मांगो।